भारतीय क्रिकेट टीम ने जहां श्रीलंका को 3-0 से दी है ओडीआई श्रृंखला में मात, भारत को मिली है इतिहास की सबसे बड़ी मार्जिन से जीत, जहां 317 रनों से तिरुवनंतपुरम में हरा दिया है श्रीलंका की टीम को। लेकिन भारत की इन 3 मुकाबलों की जीत के ऊपर क्या कुछ है कहना भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों का, पूर्व भारतीय क्रिकेट के बड़े बड़े नामों का, किस तरह से भारतीय बल्लेबाजों के लिए तारीफों के पुल बांधे हैं सुरेश रैना, इरफान पठान, और कैसी बड़ी भविष्यवाणी कर दी थी दूसरी पारी से पहले गौतम गंभीर ने, उसके बारे में आपको बताएंगे हर एक चीज विस्तार में। क्रिकेट इन इंडिया के चैनल पर हैं आप, मैं हूं आपके साथ लक्षित। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि 3 मुकाबलों की श्रृंखला में हर एक मुकाबले में नया सितारा आया है भारतीय टीम के लिए, भला वो पहले मुकाबले में विराट कोहली का शतक हो, गेंदबाजी के साथ उमरान और सिराज का तूफान हो, या दूसरी पारी में केएल राहुल की शानदार बल्लेबाजी हो, या तीसरे मुकाबले में शुभमन गिल का शतक हो, विराट कोहली का शतक हो, गेंदबाजी के साथ कुलदीप शामी और सिराज का तूफान हो, या फिर पूरी श्रृंखला में रोहित शर्मा की कप्तानी हो, भारतीय क्रिकेट टीम ने हर एक डिपार्टमेंट में शानदार परफॉर्मेंस किया है। लेकिन भारत के इस शानदार परफॉर्मेंस और खासकर विराट कोहली की बल्लेबाजी पर क्या कुछ कहना है भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों का, उसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले इरफान पठान ने आज तीसरे ओडीआई मुकाबले में विराट कोहली के शतक पूरा होने पर एक ट्वीट कर दिया, जहां उन्होंने लिखा, विराट कोहली ने सीरीज का आगाज किया था शतक के साथ और सीरीज को भी खत्म किया है एक शानदार शतक के साथ। जहां इसके चलते इरफान पठान ने स्टार स्पोर्ट्स के शो के दौरान मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी की भी खूब तारीफ की। इसके बाद आपको बता दिया जाए, सुरेश रैना जो इन दिनों क्रिकेट की कमेंट्री से तो दूर हैं, लेकिन उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर, जिसके अंदर उन्होंने आज के मुकाबले को लेकर खास शुभकामनाएं दी हैं शुभमन गिल और साथ ही में विराट कोहली को। इसके बाद आपको बता दिया जाए, आज के मुकाबले के दौरान जब पहली पारी में शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, उसके बाद युवराज सिंह ने एक ट्वीट किया, जहां युवराज सिंह ने शुभमन गिल को तो बेहतरीन बल्लेबाजी की तारीफ दी, लेकिन साथ ही में युवराज सिंह ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि इस मुकाबले को देखने के लिए आज तिरुवनंतपुरम में आधे से ज्यादा मैदान खाली था। तो युवराज सिंह ने सवाल खड़ा किया है कि क्या वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट का क्रेज कम होता जा रहा है, और वो भी हैरानी की बात है कि भारत में कोई मुकाबला है और मैदान हमें आधा खाली देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपको बता दिया जाए, आज गौतम गंभीर ने स्टार स्पोर्ट्स के मिड इनिंग के शो में एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी थी, जहां पर गौतम गंभीर ने ये साफ साफ कह दिया कि उन्हें लग रहा है कि आज इंडियन क्रिकेट टीम 300 के ज्यादा रनों के मार्जिन से इस मुकाबले को जीतेगी। जब गौतम गंभीर ने ये बात कही तब शायद ही किसी को भी इस बात का विश्वास हुआ होगा, लेकिन उसके बाद मोहम्मद सिराज की तूफानी गेंदबाजी, कुलदीप यादव, मोहम्मद शामी का उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन, और भारत ने इतिहास में पहली बार 300 से ज्यादा रनों के मार्जिन से कोई भी मुकाबला अपने नाम किया है और वनडे इंटरनेशनल के इतिहास में भी ये हुआ है पहली बार, तो गौतम गंभीर की भविष्यवाणी कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक गई है। तो ये तो कहना था भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों का भारत की शानदार परफॉर्मेंस के बारे में। क्या कुछ है आपकी राय, क्या कुछ है आपका बयान भारत की इस हार्ट विनिंग परफॉर्मेंस के बारे में, दीजिए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।